तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग थोड़ी सी टाइम ट्रेवलिंग करने वाले हैं, यानी कि वक्त का सफर करके हम लोग अतीत में जाएंगे। अतीत 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 हम चलते हैं आज से 114 दिन पहले, जब मैं मेहता साहब के उड़ते हुए चश्मे का 1508वां एपिसोड खत्म करके GTA 5 खेल रहा था। अरे ये औरत क्या करके मानेगी, अरे बेटी। उस गेम में मुझे बैठने को कहा गया था, लेकिन मेरा छोटा चेतक बैठने को राजी नहीं था। लेकिन फिर मैं देखता हूँ मेरे मन पसंद कॉमेडी चैनल दिहाती कॉमेडी ने एक नई वीडियो डाली है, जिसे देख के मेरे होश ही नहीं बल्कि बाल भी उड़ गए। मुझे मजबूरन अपने आप से यह सवाल पूछना पड़ा, क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या आज तक जितने भी चीजों में मैं मानता था, क्या वो झूठ है? क्या यही है जिंदगी का मतलब? ये सवाल मुझे आज तक तड़पाते रहे हैं, इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं और तुम मिलके इस राज का जवाब ढूंढेंगे। तो आओ यार, इस कड़वे सच का सामना करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओहो, तुम तो गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब तुम्हारा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। देखो यार, कुछ लोग होते हैं जो हाथ पकड़ के ये बता देते हैं तुम लोग कितने साल जियोगे, कुछ लोग होते हैं जो हाथ पकड़ के ये बता देते हैं तुम्हारी जिंदगी में क्या तकलीफें आने वाली है, लेकिन ये डॉक्टर कम चूतिया हाथ पकड़ के ये बता देता है अगले का खड़ा होगा नहीं होगा। हम इसे लेकिन हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कला और विद्या को प्राप्त करने के लिए इस खटमल ने घोर तपस्या की है। सांप से लिपटा हुआ अपने बाएने पैर के सबसे छोटी उंगली के भरोसे 7.5 साल तक नंगा खड़ा रहा है ये, खड़ा नहीं हो सकता। तब जाके ऐसी मायावी शक्तियां मिली है इसे। सच सच बताना, ब्लू फिल्म में देखते हो ना? हाँ जी। हाथ से करते हो ना? थोड़ा सा। हाँ समझ गया मैं, नस देखते ही। ये दिखाओ, ऐसे करो, कान दिखाओ। ये पीछे कैसे रह जाए? ये जीव रात को दारू पी के अपने बच्चे की गुद्दी पकड़ता है और आसमान की तरफ ऐसे देखते हुए कहता है, मेरा कोई मिल गया, कब आएगा मेरा कोई मिल गया। उसके बाद पूरी रात अपने बच्चे से ऐसी आवाजें निकलवाता है। ओ, ओ, आओ, आओ। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें गोली दे रहा हूँ, ठीक है? मुंह खोलो, सुबह शाम मेरे पास आना, ठीक है? और गारंटी से तुम्हारा खड़ा होगा। अबे नाचना थोड़ी ना सिखा रहा है तू, डांस मंत्र अकेडमी खोल रखी है, सुबह शाम आओ और नच बलिए में पक्का सम्मान मिलेगा। सर हाँ, होने लगा, होना शुरू हो गया, ऐसे आज मोला वाली चटकियां ले रहा है और खड़ा हो गया। आज मोला से किसका खड़ा होता है? और जिसका होता है ना यार, नहीं होना चाहिए, ये कांड प्रकृति के खिलाफ है। जाओ यहाँ कुछ नहीं करना, घर जाओ, जाओ चलो। अरे पेशेंट है, अरे ये चल क्या रहा है, जिंदगी को मजाक बना दिया इन लोगों ने, अब छक्के ही घुसा है अंदर। ये क्लिनिक दुनिया के कौन से कोने पे है यार? मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, जैसे स्कूल और कॉलेज में क्लिनिक होते हैं, ऐसे इसने कोठे पे क्लिनिक खोल रखा है। जिसका खड़ा नहीं होता वो इससे हाजमोला की गोली लेके मजे लेने निकल जाता है। बधाई दे, दिवाली आ गई। रुको निकल गया। मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। अरे हमें इसकी समस्या ना है, हमारे पास कुछ है नहीं तो इसकी समस्या क्या है? करेगा तू? हाँ समझ गया मैं। दिखा। अरे इसका कहाँ छेड़ रहा है? अरे इस जगह पे धड़कन तुझे कैसे सुनाई देगी? और जरा साउंड इफेक्ट सुनना, क्या डाल रखी है इन्होंने? वाह वाह वाली क्या बात है इसके अंदर, ऐसा क्या गजब कर दिया इसने? छक्कों की लुल्ली में धड़कन चेक कर रहा है, देख लो यही है 7.5 साल की तपस्या का फल। पता, पहले मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा दोनों का, ठीक है? करेगा? फ्री, कोई पैसा नहीं, ठीक है? उसकी जरूरत क्या है, हमारे पास कुछ है थोड़ी ना, जो चेकअप करेगा तू? जो कहूँ करते रहो। अरे नहीं नहीं, चेकअप कहाँ का करेगा मुँह है? आदिल, देखो यार इस दुनिया में ना लोग बहुत काम कर रहे हैं, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है और कोई रोटी बन रहा है, और अब इन्हें देखो ये लोग एक छक्के की छाती दबा रहे हैं, और एक बार शक्ल देखो, इतनी खुशी मिल रही है दबाते हुए, इतनी खुशी। इस बंदे की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, इसे अब अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये कल को चूतिया पने से मर भी जाता है ना, तो इसे कोई गम नहीं है, ठीक है?
अब जाओ, आपकी क्या बसूड़ी है? है? मेरे बसूड़ी नहीं है, मेरे तो पूरा भोसड़ा है। जैसे इस औरत ने वो पवित्र शब्द बोले ना, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे दिमाग में तार रगड़ दी हो। अरे नहीं यार, नहीं। फिर से बाबा। अरे बाबा क्यों यार, ये दूसरी बार हो रहा है, शायरी थोड़ी ना मारी है लड़की ने। कसम से यार, खराब कर दिया इन लोगों ने बाबा, आज के बाद मैं बाबा नहीं कह पाऊंगा। चलो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। मेरा इंजेक्शन कहाँ गया? बड़ा वाला? बड़ा वाले लोग ही छोटा वाला। ऐसे आकार का कौन सा इंजेक्शन होता है? अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं समझ में आई, ये इंजेक्शन नहीं सांप की बात कर रहा है। ये प्रकृति में इतना मानता है ना, जैसे हर डॉक्टर के पास इंजेक्शन होते हैं, ऐसे इसके पास पालतू सांप रखे हैं जो इंजेक्शन का काम करते हैं। बधाई चाहिए। पहले बता रहे, देखो ये लोग बधाई। मेरे पूरे 17 साल के जीवन में मैंने आज तक किसी को ऐसे बधाई देते हुए नहीं देखा है, और ना ही मैं देखना चाहता हूँ। जो लोग उम्र में थोड़े छोटे हैं, देखो यार ये पजी तू सीक्रेट हो तो फक कबूल करो वो वाला काम नहीं है, ये उससे थोड़ा भारी काम है। ये क्या कर रहे हो? अबे मान जा, अबे ढोलकी के मैं तेरे इंजेक्शन लगा दूं। अबे इस वीडियो के दौरान हम में से 7 लोगों की मौत हुई और 3.5 लोग घायल। अब तक तुम लोगों को जिंदगी का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो यार अपना जवाब कमेंट करो। तुम में से जिसका भी सबसे वाहियात और घटिया जवाब होगा ना, उसे मैं 1 हफ्ते के लिए अपना चैनल आर्ट बनाऊंगा। तो इसी के साथ यार मैं विदा लेता हूँ। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम नहीं रख रहे, नहीं हो गया, वो खत्म है अब। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है यार उसके साथ बधाई लेनी देनी कर दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि प्रेम को मजा नहीं आया। बाय। मोहित वो कौन सी हम बात आज पीते थे ना, फेंक दे, आज से हम पटाखा पियेंगे। और तो पहले घोड़े आ रहे हैं। घोड़े आ रहे हैं कैसे? भड़वे 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 भड़वे। गोलियां चल रही हैं एक दूसरे पे, घोड़ों पे सवार डाकू गोली चला रहे हैं। चूतिया चूतिया चूतिया।